जैसे तुम देख रहे हो तुम लोग इमोशनल हो जाते हो, शमेश्वर जी ऐसा वैसा उदम पट्टी। अब मैं कह रहा हूँ मुझे होते ही नहीं भाव, हमें ऐसे ऊपर ऊपर हलन चलन करने से होता क्या, अंदर से काम करो करना हो तो। वो क्या करेगा मुख्यमंत्री, क्या करेगा इस्तीफा दे देगा, फिर क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा वो क्या कर देगा। हमें सब पूरे जैन ही लोग प्रतिज्ञा करो पर्वत पे पानी नहीं पिएंगे, बिस्कुट नहीं खाएंगे, करो प्रतिज्ञा। तो उनके इस्तीफा बदलवाओ, तुम खुद ही नहीं छोड़ोगे, करो पूरे भारत के जैन ही लोग प्रतिज्ञा करें कि पर्वत के ऊपर कोई चीज नहीं खाएंगे, पानी बिस्किट क्या क्या है वो सब नहीं नहीं लेंगे वहाँ। और एक काम और करेंगे, तीर्थ यात्रा सच्ची करना, एक एक थैला ले जाओ वहाँ, जितनी बॉटल और पॉलीथीन मिले से भर के ले आओ, 2 दिन में साफ हो जाएगी पूरी, पूरा पर्वत 2 दिन में साफ हो जाएगा। अब जब जैनी सुधर जाए तो फिर भैया हमारे धर्म के क्षेत्र पुण्य के उदय, पुण्य के उदय आएगा तो अपन तो करो पाप और पुण्य के उदय आया ऐसे कैसे जाएगा। सब पर्वत गंदा हो रहा है, पर्वत में ऐसा होता जा रहा है, पर्वत में वैसा होता जा रहा है, तो हो गई वो तो, तुम्हारा पुण्य छीन हो रहा है इसलिए गिरनार जी चला गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर ऊपर हाय हालू करने से होता क्या है। कानून सब बंदे रखें, कानून सारे बने रखें, ऐसा नहीं कानून में कहीं लिखा है किसी के धर्म क्षेत्र में जाके गड़बड़ करो, मांस बनाओ शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। लेकिन आपका पुण्य खत्म है तो क्या कर सकते हैं आप। और मैं ये नहीं कह रहा बेटी, ध्यान रखना सुनना मेरी बात पूरी, जैनों के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा नहीं है, अन्याय कभी होता ही नहीं, आपका पुण्य छीन हो रहा है। हम क्या एक बात, तुम्हारे घर के बगल में कोई तीर्थ क्षेत्र है बटेश्वर सोरीपुर कुछ भी, कितना जाते हो, कितना पूजा पाठ करते हो, कितना देखते हो, कितनी निगरानी करते हो, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, महावीर जी में भी हो रहा है, महावीर जी की धर्मशाला में शराब की बोतलें मिलती हैं, जुआ खेलते हैं लोग, बेइज्जती करते हैं, आ जाते हैं चले जाते हैं, क्या करो बताओ, देखिए अब जाके जा। अभी हम कहाँ ठहरे थे, बनारस, ऐसी बुरी हालत बनारस। हाँ, 4 लड़के और 1 लड़की और रात को 12 बजे दारू बोतल जी साथ चल रही, कौन देखे कौन करे, दिक्कत जगह अपन अपने क्षेत्र ही संभालते तो शमेश्वर जी कौन संभाल। अब मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसा भावुक व्यक्ति नहीं हूँ जो पालन करेंगे उसका, सब लोग प्रतिज्ञा करें पूरे जैनी लोग मिलकर, पुण्य आ जाएगा। गोपाल दास जी बरैया जी के समय में भी शिकार करने का नियम बनाया था अंग्रेजों ने, पर्वत पर शिकार करेंगे और वहां रुकेंगे, अंग्रेजों के जमाने की बात, इन्हें पता लगी वो बात, इन्होंने समाचार पत्र में छापा कि जो दीवारें आप बनाओगे उसमें हम चिन्हने के लिए तैयार, हम जेनियों को चिन्ह दे। तो उनका अखबार पढ़ के 75 लोगों ने नाम भिजवाए थे कि हम बिल्कुल हम अपने क्षेत्र पर शिकार और मांस वो नहीं देख सकते, तो आप तो हमें दीवारों में हमें चिन्ह दे, इतनी हिम्मत करी थी उन्होंने। पर अंग्रेजों ने नहीं किया, नहीं बनाया, ना शिकार किया ना दारू, कुछ नहीं किया वहाँ, और उन्होंने उसके कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने उस समय रुक गई सारी चीज़, काम ऐसे होंगे होंगे तो हिंसक हो जाओ मारपीट कर दो गोलियां चला दो बस थोड़ी खुश हो जाएगा। हम तो एक ही बात में विश्वास करते, पुण्य और पवित्रता, समय शिखर जी की वंदना करने में पवित्र रहिए, आप अपना जीवन पवित्र बनाइए, आपकी पवित्रता ही आपकी रक्षक है, आपका पुण्योदय ही आपका रक्षक है। बाकी मेरे पास स्कीम है, कोई करना चाहे तो मेरे पास आ जाओ, बता दूंगा, बहुत बढ़िया स्कीम है, पूरा शमेश्वर जी चमक जाएगा, सही में चमक जाएगा, तरीका वहीं से आएगा, वो डेडिकेशन से करो, यहाँ NGO खोलो एक लगाओ, एक आध व्यक्ति आ जाओ, पैसा हम दिलवा दे रहे, फैक्ट्री चलाओ या 25-50-100 लोगों का रोजगार दो, सब खान पान बदल जाएगा, एक पॉलीथीन नहीं जाएगी ऊपर,
मेहनत करो, करना है तो एक दिन हाया करने से तो कुछ नहीं होगा, जिंदगी लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। इतना दूध हो रहा है रबड़ी भिगवाओ ऊपर छाछ भिगवाओ मीठी खट्टी वो कैसी नमकीन शकरपारे बेचो, बिल्कुल रोज बनवाओ फैक्ट्री में ताजे और ताजा माल भिगवाओ। लोग तो एक एक किलो दो दो किलो घर ले जाएंगे अपने, इतने शुद्ध बनेंगे जब बढ़िया शुद्ध घी के बिल्कुल शुद्ध बनेगा लोग तो, अरे बड़े टेस्टी ले चलो बने बनाए लोग जैन ही भर भर के ले जाएंगे पूरे देश में। नहीं इतनी बिक्री हो सकती है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है यहाँ से। करो यहाँ से रिलायंस ऐसा करो, रिलायंस पूरे देश में नाश्ता बेच सकता है, सब्जी बेच सकता है, दूध बेच सकता है, हाँ अपने 30 क्षेत्र पे नाश्ता नहीं बेच पाएंगे और एक भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं। ग्लोबल वार्मिंग और उसकी तरफ से जाओ क्या कहलाता है पर्यावरण एनवायरमेंट, तो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूल में जाओ नुक्कड़ नाटक खेलो, नुक्कड़ नाटक पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान है, पिक्चर दिखाओ डॉक्यूमेंट्री दिखाओ फला दिखाओ, पूरे स्कूल स्कूल पाठ बनवाओ, पूरे हिंदुस्तान की किताबों में पाठ लिखे जाएं कि धार्मिक क्षेत्रों में बच्चों को कैसे जाना चाहिए, कोई भी धर्म का क्षेत्र हो कोई भी मजहब हो उनके क्षेत्र में जाकर उनकी मर्यादाओं का पालन कैसे करना चाहिए बताओ। कहाँ मैंने उधर से होगा बेसमेंट से सारे बच्चों को अवेयर करो, चलो स्कूल स्कूल चलो। देखो भाई गांधी बने बिना तो काम नहीं होगा तुम सोचो कोई बटन दबा दे मन सबने से गजी सुरक्षा हो जाए, नहीं होगी। बल्कि सही बताएं तो सबसे पहले भौतिकवाद अपन ने फैलाया ऊपर, खाना पीना ले जाना वो पोलिस जी वो चप्पल जूते अपन ही फैलाए सारे। अब धीरे धीरे वो बेलो भी आने लगे, उन्हें तो पिकनिक सैर सपाटा है उसमें क्या रखा है, लेकिन हाँ अवेयरनेस फैलाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट साथ देगी आपको। और करो इन्वेस्टमेंट, एक खोलो सही फैक्ट्री, इतनी बढ़िया फैक्ट्री खोल सकती है फर्स्ट क्लास, करोड़ों का नाश्ता बिके, और ये सब बंद हो जाएंगे चिप्स वगैरह जी इतनी पॉलीथीन भर रही पूरे पूरे पर्वत पर। जो जो लोग सुने हमारे जैन समाज के लोगों ने तो ये करना ही चाहिए, त्याग करके ही आने की प्रतिज्ञा करें, जिंदगी में एक बार आते हो एक दिन मर्यादा संयम से रहो ऊपर, लेकिन पिकनिक सैर सपाटा 10 तरी पैकेट खाना पीना पानी मानी जी वो हमें बिल्कुल शुद्ध छने जल की टैंक वो रखवा दिए जाए मशीन है शुद्ध छने जल की, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की, गर्म पानी चाहिए गर्म पानी मिल जाएगा, ठंडा चाहिए ठंडा मिल जाएगा, रस चाहिए रस मिल जाएंगे, गन्ने का रस की बिक्री कराओ, अभी गन्ना चला जाता है ऊपर खूब गन्ने के 10 स्टॉल खुलवा दो, शुद्ध रस है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन ये पैक रस आते हैं पैकेट और क्या क्या चीज़ जी सब हटाओ, मैं बेसिक से काम करो स्कूलों से लेकर के पूरा मतलब दिमाग में सब है, ले हम नेतागिरी नहीं करना चाहते, हमें तो आराधना करना है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इन 100 वर्षों क्रियाओं के द्वारा जाल फैलता है, लेकिन काम तो नीचे से ही होगा, करोगे हम बता देंगे बिल्कुल सफल होंगे इसमें। तब तुम लोग बस कह रहे ये तो बिल्कुल कोई ना जाए ना 10-20 बेरोजगार लड़कों आ जाओ 25,000 महीने की सैलरी हम दे देंगे फैक्ट्री खोल दे रहे बनाओ सेल कर पहुंचाओ काम। और प्रेम से रास्ते निकलते हैं, लड़ाई झगड़े चलना चौंट से नहीं निकलते, एक बॉडी गार्ड को रेल चलती रेल में से फेंक देते हैं लोग, क्या करें बेचारो बॉडी गार्ड पुलिस वाला भी क्या करें GRP वगैरह क्या करें, मैंने भीड़ के सामने तुमने देखा दिल्ली में क्या हुआ था भीड़ के सामने किसान आंदोलन के समय, और चढ़ गया और झंडा और जी और वो सब कर करा देती थी भीड़, भीड़ का तो कोई इलाज विश्व में नहीं है, ट्रंप का हारा था ट्रंप वहीं कितना उधम पट्टी हो गई हिंसा हो गई। भीड़ के सामने क्या होता है बंगाल में चुनाव जीतने के बाद तृणमूल और 2-3 दिन ऐसे दंगे हुए हैं भयंकर जैसे कोई ये भगवान भैया कभी मत सोचो JNU के खिलाफ है, हाँ तुम चाहो तो कुछ बेसिक से सुधार करोगे तो काम तो हो जाएगा,
बहुत सारी स्कीम मेरे विचार में है, मैं तो उधर से सोचता हूँ, इसलिए मैं भावुक नहीं होता जी कह रहा भाई। अब हो रहा तो हो रहा है, पंचम काल है, हम क्या करें, हम अपनी आराधना का समय तो नहीं छोड़े, नेतागिरी हम तो नहीं करेंगे भैया। कर्मों को ही बांधा छोड़ा, समझ गए, विचार करना आश्रव आश्रव है।